अपने YouTube चैनल विकी आर्टिस्ट में मैं विकी आर्टिस्ट उपा अमरदीप कुमार आपके लिए लाया हूँ एक पिकअप की फोटो जो कि आप आराम से घर बैठे बेहद आसानी से बना सकते हैं। तो इस पेंसिल से आप पेपर पे या फिर किसी भी जगह आप दीवारों पे या बड़े बड़े मौके होते हैं उसमें आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और ये वीडियो अगर थोड़ी सी अच्छी लगती है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हर वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पिकअप के लिए आप सिर को बनाना स्टार्ट करेंगे। सिर को इस तरह से घुमाते हुए पेंसिल से आप सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल फ्लैश हो रहा है इसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह से उसका गर्दन के साथ पंख के पंख जो होता है पीठ का पंख आप बना सकते हैं उसके साथ इस तरह से हल्के हल्के से ताकि उभार जैसा पंख को दिखने में लगे। और ये यहाँ से पीछे वाला पंख मयूर का जो हम लोग यूज़ करते हैं इस तरह से। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही फायदेमंद हो सकती है। बहुत लोग तो बच्चे लोग के लिए मयूर बेहद ही पसंदीदा चित्र होता है। तो इस तरह से पैर बना लेंगे, इस तरह से बत्तख के या मुर्गा वगैरह के पैर होते हैं लेकिन इनका पैर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो पिकॉक चूँकि बैठा हुआ है तो इसमें लकड़ी बना देंगे यहाँ ताकि किसी भी चीज़ पे बैठा हुआ ऐसा प्रतीत होना चाहिए। इस तरह से चोंच यहाँ चूँकि पेंसिल से बना रहे तो आप चोंच आधा ऊपर का और आधा नीचे का हल्का हल्का शो करेंगे और साथ में इसका आँख भी बना लेंगे। इस तरह से हल्का डार्क कर देंगे। डार्क करने से चूँकि होता है कि पेपर पे लगता है कि कोई मोर टाइप कुछ उभरा हुआ है। हल्का हल्का मारेंगे हल्के पेंसिल से, हल्का 45 डिग्री के एंगल पर पेंसिल को रखेंगे और इस तरह से उंगली के सहारे से डार्क कर देंगे। इस तरह से आँख बना लेंगे हम और सिर पे जो मुकुट के तरह उसका होता है वो बनाएंगे। और ये देखिए ऐसे उसमें आप पंख को इस तरह से घुमा सकते हैं गोल गोल करके जिस तरह पंख खुड़ी होता है मयूर पंख जो बनता है इस तरह से। तो चलिए एंजॉय कीजिए वीडियो।